मैं जानता हूं जिंदगी दर्द देती है, पर उस दर्द के लिए कभी अपने आप से सॉरी मत फील करो। उस दर्द को अपनाओ और उस दर्द के साथ खेलना सीखो। ये शब्द हैं बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार ऋतिक रोशन के। सब जानते हैं कि ऋतिक बहुत कामयाब हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी। बट उस आदमी ने यहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है उसकी कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ऋतिक के पिता राकेश रोशन खुद एक एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इसलिए ऋतिक का फिल्मों में आना एक आसान सी बात लगती है। पर सच में क्या यह इतना आसान था? बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋतिक को बचपन से ही स्पीच डिसऑर्डर की बीमारी थी। ऋतिक बताते हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तो वहां के बच्चे मुझे चिढ़ाया करते थे, मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मैं पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से डिप्रेस था। मैं हर रोज सुबह उठता था और सोचता था कि आज फिर से मुझे इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल न जाने के लिए मैं तरह तरह के बहाने बनाया करता था। मैं बुरी तरह से फेड अप हो गया था। बट ऋतिक ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉब्लम को हराएंगे। ये प्रॉब्लम उन्हें जिंदगी जीने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने स्पीच थेरेपी ली, क्लास लेना स्टार्ट किया। वो घंटों तक शीशों के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे, अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस किया करते थे। किताबों को जोर जोर से बोलकर पढ़ा करते थे जिससे उनका प्रोनाउंसिएशन बेटर हो सके। और फाइनली ऋतिक ने अपनी इस प्रॉब्लम को जीत लिया। जब सब कुछ सही चल रहा था तो 20 साल की उम्र में ऋतिक को एक और झटका लगा। उन्हें पता चला कि उन्हें स्कोलियोसिस नाम की एक और बीमारी है। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि तुम्हें एक्टिंग से तौबा करनी होगी, क्योंकि एक्टिंग में डांसिंग और स्टंट्स करने में रीढ़ की हड्डी पर बहुत प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, तुम्हें यह सब छोड़ना होगा। पर ऋतिक को यह मंजूर नहीं था, वो एक्टिंग करना चाहते थे। ऋतिक ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, एक रिस्क लिया और अपने आप को इस बीमारी से भी उबारने की कोशिश की। उन्होंने फिजियोथेरेपी ली, एक्सरसाइज की और अपनी विल पावर से उन्होंने इस बीमारी को भी हरा दिया। सन 2000 में ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है के साथ ऋतिक को लॉन्च किया और उसके साथ ही इंडिया को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मिला, ऋतिक रोशन। इसके गुड लुक्स, एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स को अपने देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो आदमी इसलिए कामयाब है कि उसके पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, फैमिली है, गुड लुक्स है, सब कुछ है, इसलिए वो कामयाब है। पर कामयाब होने के लिए इन सबसे ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती है, वो होती है विल पावर।